बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों इस वीडियो में हम आपको खाना काबा का तारीखी पस मंजर बयान करेंगे। तो जिन दोस्तों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को मुकम्मल देखें ताकि आपके इल्म में मजीद इजाफा हो सके। खाना काबा, काबा या बैतुल्ला मस्जिद हराम के वस्त में वाक़ है एक इमारत है जो मुसलमानों का किबला है, जिसकी तरफ रुख करके वो इबादत किया करते हैं। ये दीन इस्लाम का मुकद्दस तरीन मुकाम है। साहबे हसीयत मुसलमानों पर जिंदगी में एक मरतबा बैतुल्ला का हज करना फर्ज है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का कायम करदा बैतुल्ला बगैर छत के एक मुस्ततील नुमा इमारत थी, जिसके दोनों तरफ दरवाजे खुले थे जो सतह जमीन के बराबर थे, जिनसे हर खास और आम को गुजरने की इजाजत थी। इसकी तमीर में 5 पहाड़ों के पत्थर इस्तेमाल हुए थे, जबकि इसकी बुनियादों में आज भी वही पत्थर हैं जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने रखे थे। खाना खुदा का ये अंदाज सदियों तक रहा, यहाँ तक कि कुरैश ने 604 हिजरी में अपने माली मुफादात के तहफ्फुज के लिए इसमें तब्दीली कर दी, क्योंकि जायरीन जो नजर व न्याज अंदर रखते थे वो चोरी हो जाती थी। इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह ने हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह तआला से हदीस बयान फरमाई है कि हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हतीम के बारे में सवाल किया कि क्या ये बैतुल्ला का हिस्सा है, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया जी हाँ। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा बयान करती हैं कि मैंने पूछा कि इसे फिर बैतुल्ला में दाखिल क्यों नहीं किया गया, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जवाब था कि तेरी कौम के पास खर्चा के लिए रकम कम पड़ गई थी। मैंने कहा बैतुल्ला का दरवाजा ऊंचा क्यों है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया तेरी कौम ने इसे ऊंचा इसलिए किया ताकि वो जिसे चाहे बैतुल्ला में दाखिल करें और जिसे चाहे दाखिल ना होने दें, और अगर तेरी कौम नई नई मुसलमान ना होती और इनके दिल इस बात को तस्लीम करने से इनकार ना करते तो मैं इसे हतीम को बैतुल्ला में शामिल कर देता और दरवाजा जमीन के बराबर कर देता। कुरैश ने बैतुल्ला के शमाल की तरफ 3 हाथ जगह छोड़कर खाना काबा की इमारत को बना दिया। वजह यह बताई जाती है कि रुपये पैसे की कमी थी, क्योंकि हक और हलाल की कमाई से बैतुल्ला की तमीर करनी थी और ये कमाई गालबन हर दौर में कम रही है, लेकिन उन्होंने इस पर छत भी डाल दी ताकि ऊपर से भी महफूज रह सके। मगरबी दरवाजा बंद कर दिया गया जबकि मशरकी दरवाजे को जमीन से इतना ऊंचा कर दिया गया कि सिर्फ खास लोग ही कुरैश की इजाजत से अंदर जा सके। अल्लाह के घर को बड़ा सा दरवाजा और ताला भी लगा दिया गया जो मुकद्दर खलकों के मजाज और सोच के आइन मुताबिक था। हालांकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो इस तमीर में शामिल थे और हजरे अस्वद को इसकी जगह रखने का मशहूर जमाना वाकया भी रोनमा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश थी कि बैतुल्ला को हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की तमीर के मुताबिक ही बना दिया जाए। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला अन्हा जो हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह ताला अन्हा के बांजे थे और हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हा की शहादत के बतौर एहतजाज यजीद बिन माविया से बगावत करते हुए मक्का में अपनी खुद मुख्तारी का ऐलान किया था। हजरत अब्दुल्ला बिन जुबैर रजी अल्लाह ताला ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ख्वाहिश का एहतराम करते हुए 685 हिजरी में बैतुल्ला को दोबारा इब्राहिमी तर्ज पर तरमीर करवाया था, मगर हुजाज बिन यूसुफ ने 693 हिजरी में इन्हें शिकस्त दी तो दोबारा कुरैशी तर्ज पर तमीर कर दिया गया, जिसे बाद अजां तमाम मुसलमान हुक्मरानों ने बरकरार रखा। खाना काबा के अंदर 3 सतून और 2 छतें हैं। बाबे काबा के मतवाजी एक और दरवाजा था, दीवार में निशान नजर आता है। यहाँ नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज अदा किया करते थे। काबा के अंदर रुकने अराकी के पास बाबे तोबा है जो अल्मोनियम की 50 सीढ़ियां हैं जो काबा की छत तक जाती हैं। छत पर 1.25 मीटर का शीशे का एक हिस्सा है जो कुदरती रोशनी अंदर पहुंचाता है। काबा के अंदर संगे मरमर के पत्थरों से तमीर हुई है और कीमती पर्दे लटके हुए हैं, जबकि कदीम हदायात पर मबनी एक संदूक भी अंदर रखा हुआ है। काबा की मौजूदा इमारत की आखिरी बार 1996 में तमीर की गई थी और इसकी बुनियादों को नए सिरे से बढ़ा गया था। काबा की सतह मुताफ से तकरीबन 2 मीटर बुलंद है, जबकि ये इमारत 14 मीटर ऊंची है। काबा की दीवारें 1 मीटर से ज्यादा चौड़ी हैं, जबकि इसकी शमाल की तरफ निसफ दायरे में जो जगह है इसे हतीम कहते हैं। इसमें तमीरी इब्राहिम की 3 मीटर जगह के अलावा वो मकाम भी शामिल है जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के रहने के लिए बनाया था, जिसे बाबे इस्माइल कहा जाता है। हतीम, जिसे हिजरे इस्माइली भी कहा जाता है, खाना काबा के शमाल की सिमत एक दीवार है जिसके बाहर से तवाफ किया जाता है। इस दीवार के मुतल्लिक कहा जाता है कि वो खाना काबा में शामिल थी।
हतीम की ऊंचाई 30 इंच है और चौड़ाई 1.5 मीटर है। खाना काबा से तकरीबन 13.25 मीटर मशरिक की जानब मकाम इब्राहिम कायम है। ये वो पत्थर है जो बैतुल्ला की तमीर के वक्त हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अपने कद से ऊंची दीवार कायम करने के लिए इस्तेमाल किया करते थे ताकि वो इस पर ऊंचे होकर दीवार तमीर कर सकें। 1967 से पहले इस मुकाम पर एक कमरा था मगर अब सोने की एक जाली में बंद है। इस मुकाम को मसल्ले का दर्जा हासिल है और इमाम काबा इसी की तरफ से काबे की तरफ रुख करके नमाज पढ़ाते हैं। तवाफ के बाद यहां 2 रकत नफल पढ़ने का हुक्म है। काबा के जुनूब मशरकी रुकन पर नसब तकरीबन 2.5 फुट कुतर के चांदी में मढ़े हुए मुख्तलिफ शक्लों के 8 छोटे-छोटे स्याह पत्थर हैं, जिनके बारे में इस्लामी अकीदा है कि तमीरे इब्राहिम के वक़्त जन्नत से जिब्राइल अलैहिस्सलाम लाए थे और बाद अज़ां तमीरे कुरैश के दौरान में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दस्ते मुबारक से इस जगह नसब किया था और एक बहुत बड़े फसाद से कौम को बचाया। ये मुकद्दस पत्थर हुजाज बिन यूसुफ के काबा पर हमले में टुकड़े टुकड़े हो गया था, जिसे बाद में चांदी में मढ़ा दिया गया। काबा शरीफ का तवाब भी हजरे अस्वद से शुरू होता है और हर चक्कर पर अगर मुमकिन हो तो हजरे अस्वद को बोसा देना चाहिए, वरना दूर से ही हाथ के इशारे से बोसा दिया जा सकता है। हज के दिनों में हर किसी को इस मुकद्दस पत्थर को बोसा देना या इस्तलाम करना नामुमकिन हो पाता है। मस्जिद हराम में काबा के जुनूब मशरिक में तकरीबन 21 मीटर के फासले पर तय खाने में आबे जमजम का कुआं है, जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम और हजरत हाजरा अलैहिस्सलाम के शीर ख्वार बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम के प्यास बुझाने के बहाने अल्लाह ताला ने तकरीबन 4000 साल कबल एक मौजे की सूरत में मक्का मुकरमा के बे आबो गया रेगिस्तान में जारी किया था, जो वक़्त के साथ साथ सूख गया था। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा अब्दुल मुतलिब ने अशारा खुदाबंदी से दोबारा खुदवाया, जो आज तक जारी और सारी है। आबे जमजम का सबसे बड़ा दहाना हजरे अस्वद के पास है, जबकि अजान की जगह के अलावा सफा और मरवा के मुख्तलिफ मकामात से भी निकलता है। 1953 तक तमाम कुओं से पानी डोल के जरिए निकाला जाता था, मगर अब मस्जिद हराम के अंदर और बाहर मुख्तलिफ मकामात पर आबे जमजम की सबीलें लगा दी गई हैं। आबे जमजम का पानी मस्जिद नबवी में भी आम मिलता है और हुजाज कराम ये पानी दुनिया भर में अपने साथ ले जाते हैं। काबा शरीफ में दाखिल होने के लिए सिर्फ एक दरवाजा है, जिसे बाबे काबा कहा जाता है। बाबे काबा जमीन या हरम के फर्श से 2.13 मीटर ऊपर है और ये दरवाजा काबा शरीफ के शमाल मशरकी दीवार पर मौजूद है और इसके करीब तरीन दहाने पर हजरे अस्वद नसब है, जहां से तवाफ की इब्तदा की जाती है। 1942 से पहले पहले बाबे काबा किसने तैयार किया और कैसे तैयार किया, इसका तारीख में ज्यादा तज़करा नहीं मिलता। ताहम 1942 में इब्राहिम बदर ने चांदी का बनाया था। इसके बाद 1979 में इब्राहिम बदर के बेटे अहमद बिन इब्राहिम बदर ने खाना काबा का सुनहरी दरवाजा बनाया। ये सुनहरी दरवाजा तकरीबन 300 किलोग्राम सोने से तैयार किया गया था। इसके अलावा मजाब काबा अरबी में मजाब परनाले को कहते हैं। खाना काबा की छत पर लगा परनाला, जिससे बारिश का पानी काबे की छत से हतीम में गिरता है, ये परनाला सोने का बना हुआ है। इस परनाले का पानी बाइसे रहमत तसव्वुर किया जाता है, इसीलिए इस परनाले को अरबी में मजाब रहमत कहते हैं। रुकने यमानी खाना काबा के जनूब मगरबी कोने को कहते हैं। ये बैतुल्ला का वो कोना है जो मुल्क यमन की जानब वाक़ है, इसीलिए इसको रुकने यमानी कहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रुकने यमानी और हजरे अस्वद दोनों जन्नत के दरवाजे हैं। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं, रुकने यमानी पर 2 फरिश्ते हैं जो वहां से गुजरने वाले की दुआ पर आमीन कहते हैं और हजरे अस्वद पर तो बेशुमार फरिश्ते हैं। रवायत में आया है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने मुकामे इब्राहिम के पीछे और मुल्ला अली कारी की रवायत में रुकने यमानी पर यह दुआ फरमाई, ऐ अल्लाह, आप मेरे छुपे हुए और खुले जानने वाले हैं, मेरी माजरत कबूल फरमा लीजिए और आप मेरी जरूरत को जानते हैं, मुझको मेरी हाजत की चीज अता फरमा दीजिए और आप जानते हैं जो कुछ मुझमें है, मेरे गुनाह बख्श दीजिए। ऐ अल्लाह, मैं आपसे वो ईमान मांगता हूँ जो मेरे दिल में रच जाए और वो सच्चा यकीन के मैं खूब जान लूँ कि वो बात जो आपने मेरी तकदीर में लिख दी है बस वही मुझको पेश आ सकती है, और रजामंदी मांगता हूँ इस जिंदगानी पर जो आपने मेरे लिए तकसीम फरमा दी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अरशाद फरमाया कि काबा का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये दुनिया के वस्त में है। काबा का नाम काबा इसलिए रखा गया कि ये मरबा चकोर है, और ये चकोर इसलिए हो गया कि ये बैतुल ममूर के ठीक नीचे है, और वो चकोर है, और बैतुल ममूर इसलिए चकोर है कि वो अर्श के ठीक नीचे है, और वो चकोर है, और अर्श इसलिए चकोर है कि वो कलमात जिन पर इस्लाम की बुनियाद है वो 4 हैं।
यानी सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा अल्लाहु अकबर। बैतुल्लाह का नाम हराम इसलिए रखा गया कि इसके अंदर मुशरकीन का दाखला हराम है। बैतुल्लाह को अतीक इसलिए कहा गया कि ये गर्क होने से बचा था। एक और रवायत में है कि इसका नाम अतीक इसलिए है कि ये लोगों से आजाद है, इस पर किसी की मलकियत नहीं है। बैतुल्लाह को जमीन के बिल्कुल वस्त में इसलिए रखा गया कि इसके नीचे से जमीन बचाई गई ताकि अहले मशरिक और अहले मगरिब सब पर इसका फरीजा हज बराबर रहे, और हजरे अस्वद को इसलिए बोसा दिया जाता है और मस किया जाता है ताकि इस अहद को जो मिसाक में इन लोगों से लिया गया था अल्लाह की बारगाह में अदा कर दिया जाए, और हजरे अस्वद को इसके रुकन में रखा गया जहां वो इस वक्त है। किसी दूसरे रुकन में इसलिए नहीं रखा गया कि अल्लाह ताला ने जिस वक्त मिसाक किया था इसको इसी जगह पर रखा था, और कोहे सफा से इस रुकन का इस्तकबाल जिसमें हजरे अस्वद है तकबीर के साथ करने की सुन्नत इसलिए जारी होगी कि जब आदम अलैहिस्सलाम ने कोहे सफा से देखा कि हजरे अस्वद इस रुकन में रखा हुआ है तो अल्लाह ताला की तकबीरों तमजीद करने लगे, और मिसाक को हजरे अस्वद में इसलिए रखा कि जब अल्लाह ताला ने अपनी रबूबियत और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबूवत का मिसाक किया तो मलाइका के जोर जोर कांपने लगे, और सबसे पहले इकरार में जिसने जल्दी की यही हजरे अस्वद था, इसीलिए अल्लाह ताला ने इसको मुंतखब किया और वो मिसाक इसके मुंह में डाल दिया। अब वो क्यामत के दिन आएगा तो इसकी बोलती हुई जुबान और देखने वाली आंख होगी, और वो हर इस शख्स की गवाही देगा जिसने यहाँ आकर इस मिसाक को अदा किया। और हजरे अस्वद को जन्नत से इसलिए निकाल कर भेजा गया ताकि आदम जो अहदो मिसाक में से भूल गए हों इन्हें याद दिला दे, और हरम के हदूद जो थे वो वही हैं, इनमें ना कुछ कम हुए ना ज्यादा। इसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने आदम के पास एक सुरख यकूत नाजिल फरमाया था, इसको उन्होंने बैतुल्लाह की जगह रखा था और इसका तवाफ करते थे, जिसकी जमाने नशाना तक पहुंची तो अल्लाह ताला ने इन नशाना तक हरम करार दे दिया। और हजरे अस्वद को मसल इसलिए किया जाता है कि इसमें सारे खलाई के अहदो मिसाक को दियत है और दूध से भी ज्यादा सफेद था, मगर बनी आदम के गुनाहों ने इसको स्याह बना दिया। अगर अयामे जहालियत के गंदे और नजस लोग इसको मस ना करते तो ये ऐसा होता कि जो बीमार इसको मस करता वो ठीक हो जाता। हतीम को हतीम इसलिए कहा जाता है कि लोग वहाँ एक दूसरे पर टूट पड़ते हैं, और लोग हजरे अस्वद को रुकने यमानी को मस करते हैं और दूसरे अरकान को मस नहीं करते। इसकी वजह यह है कि रुकने यमानी अर्श के दाएं जानब है, और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि जो चीज इसके अर्श के दाएं जानब है इसे मस किया जाए। और मकामे इब्राहिम इस हतीम की बाएं जानब इसलिए है कि क्यामत में इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की एक जगह होगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने की एक जगह होगी, मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खड़े होने की जगह अर्श के दाएं जानब होगी और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह अर्श के बाएं जानब होगी, और क्यामत के दिन मुकामे इब्राहिम अपनी इसी जगह पर होगा और हमारे रब का अर्श आगे की जानब होगा, पीछे की जानब नहीं होगा। और रुकने शामी जाड़े गर्मी में मुतहरक रहता है इसलिए कि इसके नीचे हवा कैद है, और खाना काबा इतना बुलंद हो गया कि इस पर सीढ़ी लगाकर जाते हैं। इसकी वजह यह है कि जब हुजाज ने खाना काबा को मंदहम किया तो लोग इसकी मिट्टी उठा उठा कर ले गए, और फिर जब लोगों ने इसको दोबारा तमीर का अरादा किया तो एक सांप नबूदार हुआ जिसने लोगों को तमीर से रोक दिया। जब हुजाज आया तो इसे लोगों ने बताया, इसने इमाम जैनुल आबिदीन से इसके मुतल्लिक रजू किया तो आपने फरमाया तुम लोगों को हुक्म दो कि जो शख्स यहाँ से जो कुछ ले गया वो सब लाकर यहाँ वापस डाल दे। चुनाचा जब इसकी दीवारें बुलंद होगी तो आपने हुक्म दिया कि इसकी सारी मिट्टी इसमें डाल दी जाए, इसीलिए खाना काबा इतना बुलंद हो गया कि इसमें सीढ़ी लगा कर जाते हैं और लोग इस चार दीवारी से बाहर खाना काबा का तवाफ करते हैं, इसके अंदर से नहीं करते, इसलिए कि हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की मादर ग्रामी चार दीवारी के अंदर दफन है और इसमें इनकी कब्र है, इसलिए बाहर से तवाफ करते हैं ताकि इनकी कब्र पांव तले रोंदी ना जाए। इसके अलावा रवायत में है कि इसमें चंद अंबिया की कब्रें भी हैं, और इसकी चार दीवारी में खाना काबा का कोई जुज नाखून की एक तराशे के बराबर भी नहीं है, और इसका नाम मक्का इसलिए हुआ कि लोग यहाँ एक दूसरे को हाथों से धक्के देते हैं
और ये भी रवायत है कि इसका नाम मक्का इसलिए पड़ गया कि इसके गिर्द और इसके अंदर लोग गिरिया बका करते हैं और बका खाना काबा की जगह को कहते हैं और मक्का पूरी आबादी का नाम है और खाना काबा के पास कोई हदिया और नजर लाना मुस्तहब नहीं, इसलिए कि ये सब खाना काबा के खुदाम का हो जाता है। मस्कीनों को कुछ नहीं मिलता और काबा तो ना तो खाता है और ना तो पीता है और इसके लिए जो भी हदिया लाया जाता है वो खाना काबा के जायरीन के लिए है। और रवायत में है कि हजर के ऊपर से निदा की जाती थी कि आगाह हो जिसका खर्चा खत्म हो गया हो वो यहाँ आ जाए, इसको खर्चा दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मजीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल आदम वाइज को सब्सक्राइब करना मत भूलें।